हेलो, आज हम एक डिफरेंट थोड़ा सब्जी बनाएंगे। ये सब्जी बेसन की सब्जी है। आइए हम स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। बेसन की सब्जी के लिए सबसे पहले तो हमें बेसन ही चाहिए होगा। ये बेसन की सब्जी पनीर की सब्जी से बहुत टेस्टी लगती है। आपको पनीर की सब्जी और इसमें कोई डिफरेंट नहीं लगेगा। इसके लिए मैंने 150 ग्राम के करीब बेसन लिया है। आपके स्वाद के अनुसार नमक, लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, आधा चौथाई टेबलस्पून जीरा पाउडर, चौथाई टेबलस्पून हल्दी पाउडर। अब इसमें एक छोटा कटोरी पानी का डालेंगे, बट पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है आपको, जिससे आपका बैटर स्मूथ बनेगा। और उसे अब अच्छे से फैटना है, और जब तक उसे आपको फैटना है, जब तक एक स्मूथ बैटर ना बन जाए। अब आप एक पैन लेंगे, पैन में उस बैटर को शिफ्ट कर लेंगे और उसमें 1 कटोरी पानी और ऐड कर लेंगे। अब इसे अच्छी तरह उबालेंगे और हल्की आंच पर जब तक फेंटते रहेंगे, जब तक वह एक थिक लेयर ना बना दे। इसे अच्छे से फेंटना है, क्योंकि इसे लगातार हमें चलाते रहना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्ट होता है अब चलाने के लिए। आपको जब तक ये आंच चलती रहेगी, आप इसे लगातार चलाइए, जब तक वो थिक ना हो जाए। तब आप गैस से जब वो ठीक हो जाए तब आप वो गैस से उतार लें और एक प्लेट पे थोड़ा सा ऑयल लगाएं और पूरा बैटर प्लेट में फैला दें और थोड़ा ठंडा होने तक ऐसे ही छोड़ दें। और अब जब वो ठंडा हो जाए, उसे चाकू से आपको कट पीस करना है आपको कट। और अब हम एक तरफ प्याज टमाटर काट लेंगे, क्योंकि इसको हमें फ्राई करना है। और फ्राई करने के लिए अब हम तैयारी करेंगे एक पैन की। उसमें हमने थोड़ा जीरा डाला है, जीरे के साथ इसमें वही जो हमने कट पीस किए थे वो हम इसको फ्राई, पहले इसको फ्राई करेंगे अपने बेसन को। हमने थोड़ा बेसन फ्राई करा और एक प्लेट में या एक बर्तन में इसे शिफ्ट कर लेंगे। अब बर्तन में शिफ्ट करने के बाद उसी पैन में थोड़ा जीरा डालेंगे। अब उसमें कटा हुआ प्याज, टमाटर, लहसुन डालेंगे और अच्छे से इसे थोड़ा भूनेंगे हम धीमी आँच में। और इसमें आप अभी सभी मसाले ऐड कर लेंगे। आपका नमक है, ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, ये सब आप मिक्स कर लीजिए। अब आपको इसको जब तक छोड़ना है आँच पे, जब तक उसमें उबाल ना आ जाए। और जैसे ही आपका उबाल आएगा, आप गैस बंद कर दीजिए। गैस बंद करने के बाद जो पीसेज हैं आपको ऊपर से डालने होंगे, और उसमें मिला देंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी, और पाँच मिनट के बाद आप इसे निकाल कर सर्व कर देंगे। इसे आप रोटी, चावल दोनों के साथ खा सकते हैं। ये दोनों के साथ ही लाजवाब लगता है। कभी आप ट्राई करके देखिए, ये एक अलग रेसिपी है और बहुत टेस्टी रेसिपी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।